इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन का खेल समाप्त हुआ है और इंग्लैंड जो 353 रन बनाया लॉन्च की पहले आज, तो उस रन का पीछा करते हुए इंडिया अभी 219 रन किया है और 7 विकेट गिरा इंडिया का। मतलब दूसरा दिन की खेल समाप्त होने के बाद इंडिया को अभी भी 134 रन करना पड़ेगा इंग्लैंड के रन पूरा करने के लिए। इंग्लैंड जो 353 रन बनाया ना, ये बहुत बढ़िया रन है रांची का पिच में। हाँ, और इंडिया, हाँ इंडिया के लिए जसप्रीत जसवाल के अलावा और सुमन गिल थोड़ा प्रयास किया था लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। अच्छा शुरुआत करने के बाद भी 38 रन पर आउट हो गया सुमन गिल। और जसप्रीत जसवाल जिन्होंने लगातार दो मैच में दो दोहरा शतक मारने के बाद आज 73 रन पर आउट हो गया पहला इनिंग्स में। मानो सुमन गिल का लिए बैड लाख है, शोएब बशीर के बॉल में बोल्ड होकर चला गया। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि लगातार हर एक दिन तो अच्छा खेलेंगे एक ही बैट्समैन, ये हो नहीं सकता क्योंकि क्रिकेट है और क्रिकेट में बहुत अनिश्चितता खेल है क्रिकेट। तो रोहित शर्मा जो लगातार फॉल मार रहा है, तो कभी कभी फॉर्म में फिरता है, एक दो सेंचुरी मारता है और फिर वापस वो जो स्वाद नहीं कर पाता, और आज फिर दो रन पर आउट हो गए। रजत पाटीदार मानो उनका लिए, उनके लिए इंडिया का टीम में वापसी करना नामुमकिन है। हाँ, ये रजत पाटीदार को बहुत मौका दे चुका है, तो अभी मुझे नहीं लगता है अगर इस लास्ट फोर्थ इनिंग्स में अगर कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं तो उनको मौका मुझे नहीं लगता है मिलेंगे। सरफराज खान के ऊपर आज नज़र था लेकिन सरफराज खान कुछ अच्छा खासा कर नहीं पाया, ओनली 14 रन किया वो भी 53 गेंद में, मतलब 26 का स्ट्राइक रेट। बहुत प्रयास कर रहा था लेकिन बच नहीं पाया। टॉम हार्टली की बॉल में रूट की पास कैच देकर आउट कर चला गया। धूप जुरेल अभी भी 30 रन पर नॉट आउट है। ये जो केश भरत को बाहर रास्ता दिखाया, फिर ध्रुव जोयल को जो मौका दिया गया ना, ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया मौका दिया गया। ध्रुव जोयल जिन्होंने पहला वाला मैच में अच्छा खासा खेला था लेकिन इस मैच में भी जब लगातार विकेट गिरते गया ना, तब ध्रुव जोयल ने बहुत अच्छा 30 रन पर नॉट आउट है संभाला इंडिया को एक तरफ। हाँ, अश्विन किनेल नहीं पाया लेकिन कुलदीप यादव ने मानो 72 गेम खेलकर 17 रन बनाया है। लेकिन ये जो 17 रन ना, ये बहुत बढ़िया है। अगर कुलदीप यादव और ध्रुव जोयल कल अगर लास्ट तक खेले ना, तो इंग्लैंड की जो ये रन है ना, ये रन की पास चला जाएगा इंडिया। अगर इंडिया मानो इंग्लैंड की रन 300 कर देंगे ना, तब भी इंडिया इस मैच में बने रहेंगे। हाँ, इंडिया तब भी मैच में बने रहेंगे। अगर इंग्लैंड के पास 100 से ज़्यादा लीड होंगे ना, तब इंग्लैंड मानो अलग अंदाज में खेलेंगे और जो रन लीड होंगे ना, तब इंडिया को वापस भी करना बहुत मुश्किल होंगे। तो कल कुलदीप यादव और ध्रुव जोयल के पास सब कुछ है, निर्भर करता है। अगर ध्रुव जोयल और कुलदीप यादव ये दोनों अच्छा खेलेंगे तो इंडिया को पास बहुत मौका होंगे, हाँ, ये सीरीज में जीतने के लिए काली, मतलब ये जो अगर इस मैच में भी, तो ये तो बाद में देखा जाएंगे। लेकिन ये जो इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर जिन्होंने 32 ओवर गेंदबाजी करके 4 विकेट चकाया, मानो इंग्लैंड का अगर गेंदबाजी देखा जाए तो जेम्स एंडरसन 12 ओवर किया, अली रॉबिन्सन 9 ओवर किया और टॉम हार्टली 19 ओवर किया, जो रूट 1 ओवर किया, तो जो रूट और टॉम हार्टली 20 ओवर किया टोटल और जेम्स एंडरसन को मिलाकर 32 ओवर और अली रॉबिन्सन के लिए 40, मतलब मानो 4 गेंदबाज 40 ओवर किया, अकेला शोएब बशीर 32 ओवर गेंदबाजी किया। ये बहुत बढ़िया है, ये जो यंग स्पिनर इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर जो पाकिस्तानी वंशोद्भूत है, लेकिन एक कमाल की बॉलिंग किया। हाँ, 32 ओवर लगातार बॉलिंग करना आसान नहीं है, बहुत बढ़िया होता है। तो कल देखा जाएंगे इंडिया, अगर क्या इंडिया इस मैच को बचा पाएंगे या नहीं, ये तो कल ही मानो तय हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इंडिया वापसी कर पाएंगे इस मैच में या इंग्लैंड चौका मारेंगे, तो ये आप कमेंट करके बताओ। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा ना, तो जरूर एक लाइक शेयर कमेंट करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।